आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या होते हैं और कैसे ये हमारे वर्क करते हैं, इस पर मैं आज आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस क्या होते हैं। जैसा कि मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग मटेरियल या स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग मटेरियल जो कैसा होगा बच्चों, ट्रांसपेरेंट होगा। कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। तो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल हम इसको कह सकते हैं। देखो, हमने लाइट किया कि ये हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट स्फेयर है। ठीक है, ग्लास का बना हो सकता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उसका बना हो सकता है। तो इसका जो सेंटर होगा वो ये होगा, इसका सेंटर हमारा ये हो जाएगा और सेंटर की जो रेडियस होगी यहां से यहां तक आर हो जाएगी। ठीक है, यहां से यहां तक रेडियस क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास है, अगर मैं यहां से स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बनाना चाहता हूं तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बेसिकली हमारे टू टाइप के होते हैं। टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो मैं बना देता हूं। अगर मैं इस वाले पोर्शन को काट देता हूं इस टाइप से, ठीक है, तो ये हमें यहां पर एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस मिलेगा जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ये हो जाएगा। ठीक है, और पोल ये हो जाएगा हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इसको बोलेंगे बच्चों हम कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। अगर इस वाले को मैं इस टाइप से कट करता हूं, इस टाइप से ऐसे, तो ये हमारा बन जाता है कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यानी इस टाइप से मैंने कट किया, यहां पर हमारा ग्लास का मटेरियल है ये। ठीक है, ये यहां पर हमारा ग्लास का मटेरियल है और ये बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है, तो ये कॉन्वेक्स हो जाएगा हमारा। ऐसे इसमें ये ग्लास का मटेरियल है या जो भी मटेरियल होगा, जो भी मीडियम होगा वो होगा। ठीक है, और ये इधर कॉनकेव सरफेस है तो ये बन जाएगा कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये इसका पोल हो जाएगा बच्चों और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहीं इधर पर हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, क्योंकि ये सर्कल जो हमारा कंप्लीट हो गया, स्फीयर कंप्लीट हो गया, इधर होगा तो इसका सेंटर यहां हो जाएगा, पोल हमारा यहां पर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया बच्चों? कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि स्फेरिकल सरफेसेस दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और एक कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अगर एक ऑब्जेक्ट की हमें इमेज बनानी है तो हमें कुछ चीजें यहां पर एज्यूम करके चलनी पड़ेंगी और जो साइन कन्वेंशंस हैं वो हमें यहां पर मिरर वाले लेकर चलने पड़ेंगे। साइन कन्वेंशंस क्या कहते हैं हमारे, कि अगर हमारे पास एक मिरर होता है, इसी की बात कर लें, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड की तरफ है, ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ है, या ऐसे याद रखें कि जिधर से रे आएगी उस डायरेक्शन में डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंसेस नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा साइन कन्वेंशन हो जाएगा। अब कुछ अजम्पशंस हैं इनके, वो मैं यहां पर आपको लिखकर बताता हूं। कुछ चीजें हमें यहां पर लेट करके चलनी पड़ेंगी, अजम्पशंस। वो अजम्पशंस क्या है? अजम्पशंस, फर्स्ट अजम्पशन हमें मानकर चलना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता है, लाई करेगा। ये फर्स्ट अजम्पशन हमें यहां पर लेकर चलना है। सेकंड अजम्पशन हमें यहां पर लेकर चलना है कि जो अपर्चर होगा
वो स्मॉल होगा, ठीक है। अपर्चर आप जानते हो कि नहीं जानते हो बता देता हूं, इसको बहुत ज्यादा कर्व लेकर नहीं चलेंगे हम। अगर मैं यहां से यहां तक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। तो अपर्चर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स आर स्मॉल, जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे बच्चों, स्मॉल होंगे। दैट इज इतने स्मॉल होंगे कि हम साइन आई को अप्रोक्सीमेटली आई लिख सकते हैं, एंड कॉस आई को या कॉस आर भी हो, जो भी एंगल हो उसको हम आर लिख सकते हैं। यानी बहुत स्मॉल एंगल्स होंगे, साइन आई को आई, साइन आर को आर, ठीक है। कॉस की जगह साइन यूज करेंगे, यहां पर कॉस का यूज होगा नहीं, तो साइन आर की जगह पर हम आर का यूज करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास टेन आई हो या टेन थीटा हो तो वो भी हम थीटा मानकर यहां पर चलेंगे। ये तीन अजम्पशन से हम एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे और लास्ट में एक फॉर्मूला निकालेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर। तो फर्स्ट पार्ट में यहां पर लेकर चल रहा हूं इसका, फर्स्ट पार्ट जो हम यहां पर कर रहे हैं बच्चों, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में कॉन्वेक्स को मैं लेकर चल रहा हूं पहले, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्शन होगा रेयर से डेंसर मीडियम में, और फर्स्ट हम लेकर चल रहे हैं यहां पर कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हम करेंगे, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और उसमें भी हम करेंगे बच्चों फोर रियल इमेज। रियल इमेज के लिए हम करेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में रियल इमेज के लिए हम करेंगे यहां पर। तो मैंने ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेलेक्ट किया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहां पर इसका बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, इस कर्व का पार्ट सेंटर हो जाएगा। ये पोल पी पॉइंट मैंने इसको नेम दे दिया। ऑब्जेक्ट हमें कैसा लेना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया इसका ओ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यहां से यहां तक डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो यहां का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मान लेता हूं मैं म्यू टू है, और इधर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू वन है, ठीक है। ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू वन और डेंसर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, ठीक है। ये हमारा रेयर मीडियम और अंदर ये हमारा डेंसर मीडियम। अब देखो एक रे हमारी यहां से जाएगी तो सरफेस पर पड़ेगी, और इस सरफेस का अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो सेंटर से इसका नॉर्मल हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे आ रही है तो नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगी, इंसिडेंट एंगल बनाएगी। तो जब एक रे हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, बेंड टूवर्ड द नॉर्मल हो जाती है। तो लाइट ये ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ये बेंड होकर लाइट हमारी यहां पर पहुंचेगी और यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी आई। तो नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगी उसको क्या कहते हैं हम, आर कहते हैं। हमने मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, इमेज बीटा एंगल और सेंटर गामा एंगल बना रहा है। और क्या किया हमने, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पर जिसको मैंने एम पॉइंट नेम दिया। तो देखो अपर्चर स्मॉल होने की वजह से पी और एम अप्रोक्सीमेटली एक ही पॉइंट पर लाई कर सकते हैं, तो एम की जगह पर हम पी यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारे डिस्टेंसेज पेल से पोल से मेजर करेंगे, तो इसलिए एम की जगह पर हम पी यूज कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब मैं इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाता हूं। तो देखो फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है, ओ ए सी ट्राइंगल को मैं लेकर चल रहा हूं, ओ ए एंड सी।
देखो अगर ओ ए सी इस ट्राइंगल में देखता हूं, ओ से ए से सी इस वाली ट्राइंगल में, तो एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होगा, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा के इक्वल। तो इस ट्राइंगल में आई इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल आई ए सी, अब मैं लेकर चल रहा हूं आई यहां से ए एंड यहां से सी, तो ये वाली ट्राइंगल हमारी बनेगी। इसमें देखो एक्सटर्नल एंगल कौन है गामा और इंटरनल एंगल कौन है आर और बीटा, तो यहां से जो गामा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, आर प्लस बीटा, और यहां से अगर मैं आर निकालूं तो वो लिखा जाएगा गामा माइनस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, यहां का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होगा यहां का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर हमारा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन म्यू टू अपॉन म्यू वन, इधर हो जाएगा ये इधर चला जाएगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर। अजम्पशंस में हमने माना था कि एंगल्स को हम स्मॉल लेकर चलेंगे, तो साइन आई को अप्रोक्सीमेटली आई और साइन आर को मैं आर मान सकता हूं। तो यहां पर देखो आर की मल्टीप्लीकेशन म्यू के साथ हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो जाएगी, तो म्यू वन की मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। और देखो आई की वैल्यू इक्वेशन वन से हमें पता है और आर की वैल्यू इक्वेशन टू से हमें पता है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या हो जाएगा, देखो म्यू वन साइन आई क्या होगा अल्फा प्लस गामा एंड इज इक्वल टू म्यू टू आर किसके इक्वल है गामा माइनस बीटा के इक्वल हो जाएगा, गामा माइनस बीटा के इक्वल हो जाएगा। अब देखो मुझे अल्फा की वैल्यू यहां से पुट करनी है, जैसे मैंने बताया एंगल्स हमारे स्मॉल है, एंगल्स हमारे स्मॉल है तो हम थीटा को आर्क अपॉन रेडियस कह सकते हैं। अब ये टर्म देखो ये सेंटर है, एक सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर ये है, ये वाली जो लाइन है ए पॉइंट पर ये हो गई और ये वाली लाइन पी पॉइंट पर ये हो गई, तो ये भी आर है ये भी आर है। अगर मैं ये वाला एंगल निकालता हूं गामा तो क्या हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। इसको मैं ए पी लिख सकता हूं लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली जो एम है वो पी के इक्वल ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं ए एम या ए पी लिख सकते हैं क्योंकि पी एम पॉइंट पर ही हमारा लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से ऐसे ही अल्फा का हो जाएगा यहां से, ठीक है, क्योंकि एंगल्स हमारे क्या है बहुत स्मॉल लेकर चल रहे हैं, तो अल्फा लिखा जा सकता है। अगर मैं थीटा की फॉर्म में देखूं तो आर का काम कौन करेगा ए एम अपॉन ओ एम, एम को पी मान सकते हैं तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं बच्चों ए एम अपॉन एम ओ प्लस। सिमिलरली गामा क्या लिखा जाएगा, गामा ए एम अपॉन एम सी इज इक्वल टू म्यू टू, ठीक है। गामा गामा की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी ए एम अपॉन एम सी एंड माइनस बीटा, बीटा भी क्या हो जाएगा ए एम अपॉन एम आई, तो ए एम अपॉन एम आई। ये भी मान सकते हो कि हमने टेन थीटा निकाला यहां पर, टेन अल्फा टेन गामा टेन बीटा, क्योंकि एंगल हमारा जो होता है अप्रोक्सीमेटली एंगल स्मॉल होते थे तो टेन थीटा को हम थीटा लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको लिख देंगे। अब देखो ए एम ए एम ए एम सब में से कॉमन कैंसल आउट हो जाएगा और एम की जगह पर क्या लिख सकता हूं, मैंने बताया पी लिख सकते हैं, तो जो ये है म्यू टू ये क्या हो जाएगा वन अपॉन पी ओ प्लस वन अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू टू वन अपॉन पी सी माइनस वन अपॉन पी आई। ए एम यहां से भी कॉमन आके क्या होगा बच्चों कट जाएगा। अब देखो पी ओ
यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट है तो u हो जाएगा, यहां से यहां तक ये रेडियस है तो r हो जाएगी, और यहां से यहां तक इमेज बन रही है तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये v हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगी, ये v हो जाएगी। अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, PO की वैल्यू, PC की वैल्यू, PC की और PI की वैल्यू पुट कर लेते हैं, साइन कन्वेंशंस का हम यूज करेंगे। तो देखो यहां पर म्यू टू वन अपॉन PO, PO क्या है हमारे पास, U, रे इधर जा रही है और डिस्टेंसेस पोल से मेजर करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का U, एंड प्लस वन अपॉन PC, तो P से C क्या है R, तो रे की डायरेक्शन में तो प्लस का लिखा जाएगा वन बाई आर इज इक्वल टू, इधर म्यू वन था ठीक है, यहां पर म्यू वन है, म्यू वन तो ये म्यू वन होगा, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू टू, क्या हो जाएगा म्यू टू, तो वन अपॉन पी सी, पी सी क्या है आर, तो वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन पी आई, तो पी आई भी इस रे की डायरेक्शन में है तो प्लस का होगा वन अपॉन वी। ठीक है, यहां से इनको सॉल्व करो, म्यू वन की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करूंगा तो माइनस का म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन आर एंड माइनस म्यू टू अपॉन वी। ठीक है, आर आर वालों को हम एक साथ ले लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो देखो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन म्यू वन यू प्लस का हो जाएगा म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो म्यू टू ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जब रिफ्रैक्शन होगा रेयर से डेंसर मीडियम का, रेयर से डेंसर मीडियम का एक फॉर्मूला हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा यहां से निकलकर आ गया। अब हम बढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, ये हमारा हुआ रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो जैसा हमने इसमें किया है वही ट्राइंगल्स हमें लेना है, वही प्रोसेस हमको लेकर चलना है, वही चीजें हमें सारी लगभग लगभग वही लेकर चलनी है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग होगा। तो अभी हमने किया था बच्चों रेयर से डेंसर मीडियम के लिए, और अब हम करेंगे डेंसर टू रेयर मीडियम के लिए। ठीक है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर मीडियम, और कॉन्वेक्स के लिए ही हम यहां पर कर रहे हैं, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, और रियल इमेज के लिए ही हम कर रहे हैं। ठीक है, जैसा आपने पहले किया था, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले रेयर से डेंसर किया था, अब डेंसर से रेयर करेंगे। ठीक है, तो हमने कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया, इस टाइप से हमने उसको बना लिया, पहले पार्ट इधर था अब उसको हमने ऐसे कर लिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, डेंसर मीडियम। ठीक है, इधर रेयर मीडियम हो जाएगा, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारे पास पोल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो पार्ट है वो डेंसर मीडियम वाला पार्ट है। अब देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है तो इससे जो रे जाएगी वो यहां पहुंचेगी, तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, तो यहां पर इसका नॉर्मल हो जाएगा, ये हमारा ए पॉइंट, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो क्या हो जाएगा बच्चों, आई, तो ये एंगल हो जाएगा आई। और देखो डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे जाने चाहिए थे लेकिन नॉर्मल से अवे हटेगी
तो ऐसे आकर यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी बच्चों पाई। तो ये पोल है, साइड सेंसेस पोल से मेजर करते हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा यू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा वी, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा आर। जैसे पहले परपेंडिकुलर डाला था ऐसे ही इसमें भी हम परपेंडिकुलर डालेंगे ए से लेके एम तक। ठीक है, वही ट्राइंगल्स जो पहले ट्राइंगल्स ली थी वही ट्राइंगल्स लेंगे हम यहां पर भी, फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए सी एंड आई ए सी। ट्राइंगल हमने पहले भी आई ए सी और ओ ए सी ही ली थी, तो अभी भी हम वही लेकर चल रहे हैं। अगर मैं ट्राइंगल ओ ए सी लेकर चलता हूं ओ ए एंड सी, ठीक है, तो ये हमारा अल्फा और इमेज के साथ बीटा और इसके साथ गामा लेकर चलते हैं। तो देखो गामा किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल है ट्रायंगल OAC में, तो गामा किसके इक्वल हो जाएगा, आई प्लस अल्फा। तो क्या लिखोगे, गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, आई निकालोगे तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली यहां से आई ए सी निकालेंगे तो देखो आई ए सी, आई ए एंड सी, तो ये गामा और बीटा इंटरनल एंगल, ये रिफ्रेक्शन एंगल हो जाएगा आर। तो यहां से ये इक्वेशन नंबर वन, अगर इसमें निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। तो जैसे वहां पर लिया था हमने, क्या लिया था, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, ऐसे यहां पर भी हम लेकर चलेंगे वही कंडीशन, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां का म्यू टू और यहां का म्यू वन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या हो जाएगा, म्यू टू इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन इंटू यहां क्या है आर, तो साइन आर हो जाएगा। यहां से अगर मैं म्यू टू अपॉन म्यू वन निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई, जिनको अप्रोक्सीमेटली आई अपॉन आर लिख सकते हैं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो ये हो जाएगा म्यू टू आई एंड म्यू वन आर। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से हम देख सकते हैं आई की वैल्यू और आर की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो देखो आई की वैल्यू क्या है, म्यू टू गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन गामा प्लस बीटा। आर की वैल्यू क्या है, गामा प्लस बीटा पुट कर दिया, आई की वैल्यू क्या है, गामा माइनस अल्फा, तो वो पुट कर दिया हमने। अब इनकी वैल्यू पुट कर लो, म्यू टू गामा निकालेंगे तो देखो गामा ये है, क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम सी, तो इसको हम लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस या आर्क अपॉन रेडियस का नाम भी देख सकते हैं इसको एम सी। माइनस अल्फा निकालोगे तो ए एम अपॉन एम ओ, जैसे पहले लिया था वही कंडीशन हम यहां पर भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एंगल स्मॉल है तो टेन थीटा को थीटा मान सकते हैं, टेन अल्फा को अल्फा मान सकते हैं, टेन बीटा को बीटा और टेन गामा को गामा मान सकते हैं। तो अगर मैं टेन अल्फा निकालता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, गामा निकालता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अल्फा निकालता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये निकालता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो अभी हमने गामा निकाला, परपेंडिकुलर ए एम बेस एम सी, माइनस अल्फा निकालेंगे तो ए एम अपॉन एम ओ हो जाएगा, एम अपॉन एम ओ इज इक्वल टू म्यू वन गामा प्लस बीटा। तो गामा हम देख ही चुके हैं क्या आया, एम अपॉन एम सी एंड माइनस माइनस बीटा, बीटा क्या हो जाएगा, एम अपॉन एम आई, एम अपॉन एम आई, क्योंकि अपर्चर स्मॉल है तो जो M पॉइंट है उसको हम P पॉइंट पर कंसीडर कर सकते हैं, यानी M की जगह पर P लिख सकते हैं। यहां से देखो AM AM में कॉमन, AM AM कॉमन, तो कट जाएगा दोनों तरफ से AM AM, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा बच्चों म्यू टू इंटू वन अपॉन पी सी माइनस वन अपॉन पी ओ, ठीक है, M की जगह O आ जाएगा। इधर देखो इज इक्वल टू म्यू वन वन अपॉन पी सी, वन अपॉन पी सी माइनस वन अपॉन पी आई। तो यहां से देखो म्यू टू वन अपॉन पी सी, P
पी सी आर। अब देखो रे इधर जा रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से इधर की तरफ चलेंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का आर। वन अपॉन पी ओ, ये भी रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस का यू। वन पी सी अभी हमने निकाला, माइनस का आर होगा, एंड माइनस पी आई इधर है प्लस का, तो ये प्लस का ही रहेगा वी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, म्यू टू अपॉन ये आर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, म्यू टू अपॉन यू, ये माइनस म्यू वन अपॉन आर, एंड माइनस म्यू वन अपॉन वी हो जाएगा। तो अब देखो ये म्यू टू अपॉन म्यू वन और ये वी वन अपॉन वी है हमारा, तो म्यू टू माइनस म्यू वन आना चाहिए, से पहले वाले फॉर्मूले में था, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो इसको जब इधर लेकर आएंगे तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, पीओ कहीं पर मिस्टेक तो हमने नहीं की है, देखो गामा प्लस बीटा है तो ये प्लस चलेगा, गामा प्लस बीटा। ठीक है, गामा प्लस बीटा, तो ये इधर आके प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा हमारा माइनस का प्लस का म्यू टू अपॉन यू माइनस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू। ठीक है, यहां पर म्यू टू अपॉन यू लिख दिया, ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन और आर दोनों में से कॉमन, तो ये हमारा यहां से फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा बच्चों।